You cannot defy a god. So hello guys, kya hal chal, kaise hai aap sabhi log? Aur guys, swagat hai aap sabhi ka एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल द वर्ल्ड का, आर्क एजी रिबॉर्न का। वैसे आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, अरे चुप बार बार रॉकवेल कहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन बकेती जरूर कर रहा है भाई ये। सो गाइज, आज का जो एपिसोड है ना, वो शुरू करने से पहले जो बड़े बंदे होंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज वीडियो ना बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना। काफी सारे अपने सब्सक्राइबर बिना स्किप करे एंड तक वीडियो देखते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और जो बिना स्किप करे देख नहीं रहे, वो गाइज बिना स्किप करे देखने की जरूर से कोशिश करना, उससे हमारे चैनल को ना काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच 6.2 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। सो चलो गाइस, अभी आज का शायद से ये फाइनल एपिसोड हो सकता है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करने वाले पब्लिक ने डिमांड करा हुआ सेकंड बॉस। उसके बाद गाइस मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि कौन कौन से बॉसेस वगैरह टेम करने हो तो बताना। तो आप लोग जो भी गाइस कमेंट करोगे, उन बॉसेस को मैं आने वाले एक या दो एपिसोड में भाई टेम करके इस सीरीज का पूरा द एंड कर दूंगा। बाकी अभी गाइस यहाँ पे हम लोग जो है ना गाइस मचाने वाले दवाई, और आज के इस एपिसोड में कौन से बॉस को मैं टेम करने वाला हूँ। सो आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में गाइस हम लोग टेम करने वाले यहाँ पे डोडोरेक्स बॉस को। आपको बता होगा कि पिछला जो एपिसोड था कल वाला, उसमें भी हम लोग ने डोडोरेक्स बॉस को मारा था, और वही इकलौता ऐसा बॉस था जो हमारे इस खतरनाक से वर्ल्ड बॉस से 1v1 पंगा ले पाया और गाइस एक फटके में नहीं मरा। अरे रॉकवेल बचकर भाई, वैसे कोई बोल रहा है कि रॉकवेल गाइस मेरे से प्यार करता है, अभी मेरे को मिस करेगा, इसलिए कुछ ज्यादा ही भाई बकरा है भाई एंड वाले एपिसोड में। बात तो सही करी है आपने, ठीक है, गुस्सा है भाई लग रहा है रॉकवेल। वैसे गाइस सीरीज का दहेंट होने वाला है, इसलिए रॉकवेल जो है ना गाइस कुछ ज्यादा ही अभी भाई बकेती करने लगा है यहाँ पे। चलो रॉकवेल को भाई मारते मारते जाएंगे एंड में। अभी यहाँ पे बात करते हैं हमारे सिरेक्स की। सो रेक्स से 1v1 एक फटके में गाइस यहाँ पे ना मरने वाला एक ही बॉस था, और वो बॉस था डोडोरेक्स, वॉरशिप वाला डोडोरेक्स। और पब्लिक ने भी वॉरशिप वाले डोडोरेक्स को ही टेम करने की डिमांड करी थी, और इसलिए मैं आज के इस वाले एपिसोड में उसी डोडोरेक्स को यहाँ पे करने वाला हूँ टेम। यस, बॉस टेमिंग करने वाले, लेकिन उससे पहले मुझे उसको भाई क्राफ्ट करना पड़ेगा। ये रहा गाइस हमारा वॉरशिप वाला डोडोरेक्स। मैंने गाइस इस वॉरशिप वाले डोडोरेक्स को यहाँ पे कर लिया है गाइस क्राफ्ट, और अभी हम लोग इसको टेम करने के लिए जाने वाले, ठीक है। यार रॉकवेल कहाँ पे पता नहीं, लेकिन बकेती तो जरूर कर रहा है, आवाज तो इतनी दूर तक आ रही है। इसके टेंटिकल मेरे घर के साइड में भी दिख रहे हैं, लग रहा है आखिरी एपिसोड में मुझे घर के साइड में जो ना मिलने के लिए आया है ये रॉकवेल। चलो सो गाइस, हम लोग उसको टेम करने के लिए ना सुपर लॉन्गड़े का इस्तेमाल करने वाले। सुपर लॉन्गड़े की मदद से हम लोग गाइस द वर्ल्ड बॉस को तो टेम नहीं कर पाए थे, उसके ऊपर वर्क नहीं करी थी, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लॉन्गनेक जो है ना गाइस वो यहाँ पे वर्क करे हमारे खतरनाक एंड ओपी से डोडोरेक्स के ऊपर। इस लॉन्गनेक का गाइस यहाँ पे पावर ये है कि हम लोग इससे किसी को भी ऐसा एक डार्ट मारेंगे, सो वो नॉट टेमेबल वाले डाइनो हो या कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से टेम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये भाई नॉट टेमेबल वाला, देखो आपको मैं डेमो वापस से करके दिखाता हूँ। देखो स्नो वाला नॉट टेमेबल वाला गाइस यहाँ पे स्पाइनो है, बराबर ये मारा मैंने इसके ऊपर डाल, और ये हो गया ऑन द स्पॉट तुरंत टेम, ठीक है। ये गीगा है, ये मारा मैंने डाल, और ये हो गया गीगा ऑन द स्पॉट टेम। सो ये है गाइस हमारी सुपर लॉन्गनेक की पावर, हम लोग किसी को भी एक फटके में गाइस यहाँ पे टेम कर सकते। ओए यहाँ पे पहले से एक डोडोरेक्स है भाई, अपन पुराना वाला भाई डोडोरेक्स टेम नहीं करते, हम लोग ताजा डोडोरेक्स टेम करेंगे भाई, ठीक है। उस डोडोरेक्स को मारो गोली, अभी मैं यहाँ पे अपना खुद का भाई प्राइवेट पर्सनल ताजा फ्रेश डोडोरेक्स यहाँ पे स्पॉन करने वाला हूँ, और उसको हम लोग टेम करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 ये हो गया स्पॉन, संभल के 1.4 बिलियन हेल्थ है गाइस इसकी, ठीक है। और अभी मैं इसको मारने वाला हूँ डार्ट, और उम्मीद कर रहा हूँ कि डार्ट की मदद से टेम हो जाए प्लीज। अबे यार ये तो टेम ही नहीं हुआ, अरे भाई ये लॉन्गनेक जो ना गाइस बॉसेस के ऊपर वर्क ही नहीं कर रही है,
मैं वापस से मार के देखता हूँ गाइज, ये बॉसेस के ऊपर वर्क ही नहीं कर रही है, मुझे इसको फोर्स टेम करना पड़ेगा। मैं भी यार, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक और भाई डार्ट मार के देखता हूँ, लग तो रहा है डार्ट, ऐसी बात नहीं कि उसको डार्ट नहीं लग रहा, डार्ट तो लग रहा है भाई उसको। हाँ, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं लगा। रुको, एक और बार ट्राई करता हूँ मैं आपके लिए। अबे लगा क्यों नहीं डार्ट, एकदम छाती पे मारना है क्या? अबे इसको डार्ट ही नहीं लग रहा, रुको 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 रुको। अबे इसको डार्ट ही नहीं लग रहा, ये क्या सीन है भाई? ये डार्ट का असर ही नहीं पड़ रहा गाइस इसके ऊपर। देखो मार तो रहा हूँ भाई डार्ट, मैं मार तो रहा हूँ। लगा लगा गाइस, लगा, मेरे ऊपर एग्रो आ रहे यार, मेरे ऊपर एग्रो हो गए, इसने मेरी पेटी भी बना दी भाई। ठीक है यार, ठीक है, मतलब गाइस यहाँ पे हम लोग इस डार्ट की मदद से बॉसेस को तो एटलीस्ट टेम नहीं कर सकते, ये तो हम लोग को पता चल चुका है। ठीक है, इन बॉसेस को टेम करने के लिए हम लोग को प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम लोग इसको भाई पट्टे से टेम कर पाएंगे। और गाइस पब्लिक सबसे ज्यादा डिमांड इसी बॉस को टेम करने की कर रही थी, हमारे वर्ल्ड बॉस के बाद। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, सूट वगैरह हमने पहन लिया है, सो हम लोग फटाफट से जो ना डेजर्ट में चलते हैं और इसको ना टेम करने की ट्राई करते हैं। वैसे टेम हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस वॉरशिप वाले डोडोरेक्स को जो ना गाइस फटाफट से टेम करते हैं, जिसकी 1.4 बिलियन हेल्थ है भाई। और देखते हैं गाइस कि हमारे वर्ल्ड बॉस को ये जो डोडोरेक्स है वॉरशिप वाला, वो बीट कर पाता है कि नहीं। वर्ल्ड बॉस का डैमेज ना भाई भाई 100-200 बिलियन में जा रहा भाई, ठीक है, क्या उसके डैमेज को बीट कर पाएगा? अपना पुराना वाला है ना यार, इसका 1.2 बिलियन है भाई हेल्थ ओनली। मैंने नया नया फ्रेश जो स्पॉन कराया गाइस अभी यहाँ पे, उसका 1.4 बिलियन है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से गाइस यहाँ पे टेम कर लेता हूँ, ठीक है, रुको, वेट अ मिनट। A few moments later. ये ले बड़ा पट्ट से शॉट, ये हो गया गाइस टेम। लेकिन भाई म्यूजिक आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड आ रहा भाई, गेम आवाज कम करना पड़ेगा। म्यूजिक का आवाज जो है गाइस कुछ ज्यादा ही लाउड आ रहा है, हद से ज्यादा लाउड आ रहा है, इसलिए गेम का आवाज जो है गाइस वो मुझे पूरा कम करना पड़ा यहाँ पे। और ये रहा गाइस हमारा खतरनाक, अबे राइड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ग्लिच हो रहा है क्या? व्हाट, मैं इसको क्राइव नहीं कर सकता, मैं पहले बता दूं आपको, हम लोग इसको क्राइव नहीं कर सकते। क्या हो गया भाई, राइड क्यों नहीं करा रहा है? अबे अबे राइड क्यों नहीं करा रहा है ये मेरे को, ये राइड ही नहीं करने दे रहा भाई। हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे बैठने तो दे, आई डोंट नो भाई, बट मैं इसको अगर क्राइव करूंगा तो इसका पूरा का पूरा भाई वो हट जाएगा ना भाई। अबे इसको क्राइव भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्या हो गया भाई? हाँ हो गया, रुको मैं इसको बाहर निकाल के देखता हूँ इसकी 2 बिलियन हेल्थ बचती है क्या। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं भाई इसकी हेल्थ कम हो चुकी है और प्लस हम लोग इसके ऊपर राइड नहीं कर पा रहे। आई थिंक से कोई ग्लिच है उस रीजन से हम लोग इसके ऊपर राइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक काम करता हूँ, दूसरा एक और डोडोरेक्स है गाइस यहाँ पे, हम लोग उसके नज़दीक जाके ना उसको भाई जबरदस्ती टेम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को इन लोगों को फोर्स टेम ही कराना पड़ेगा, और कोई भाई यहाँ पे तरीका नहीं है। हमला कर रहा है, संभल के, ये बावड़ा हो गया है। मैं नहीं चाहता गाइस इसके अटैक में जो ना गाइस मैं फंस जाऊँ बिल्कुल भी। हो गया ना भाई, खत्म ना फाइट, वरना पता चला मैं चला गया वहाँ पे और इसने फाइट वापस से चालू कर दी। ठीक है, ये मैंने इसको कर लिया है टेम, अभी मैं इसके ऊपर राइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो बॉयज। वो पहला वाला डोडोरेक्स में भी ग्लिच हो गया था, ये वाले डोडोरेक्स के ऊपर गाइस हम लोग राइड कर पा रहे और अभी गाइस मचाड़े वाले फील्ड तबाही। इसको क्राय वगैरह नहीं करना है वरना हमारा जो गाइस, अबे यार इसका लुक ही नहीं दिख पा रहा है ऐसे यार, के दबाने से भी लुक नहीं दिख रहा। चलो मैं आपको ऐसे ही इसका लुक दिखा देता हूँ। सो ये देखो गाइस हमारा खतरनाक सा वॉरशिप डोडोरेक्स, जो कि पूरा रेड रेड और ब्लैक कलर दिख रहा है। इसका लुक उतना खास कुछ लग नहीं रहा है यार मेरे को, ठीक है, क्योंकि क्लियरली तो मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। क्लियरली तो गाइस देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको, लेकिन ठीक है यार, मुझे पसंद आया भाई है। अब इसके डैमेज वगैरह कितना है, क्या जा रहा है, वो अभी मैं देखने वाला हूँ ऑन पब्लिक डिमांड भाई। ठीक है, ऑन पब्लिक डिमांड हम लोग इस डोडोरेक्स को अभी चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अटैक्स की भाई, अटैक कैसे देखूंगा जब ये दिख ही नहीं रहा पूरी तरीके से। रुको,
इतना ही दूर में कैमरा लेके जा सकता हो। अटैक है इसके पास हाइट वाला अटैक, मुझे फायर छोड़ने वाला अटैक है लिप क्लिक पे, सी पे, अपने आपके गोले छोड़ रहा भाई मुझे, ठीक है। एक्स पे इसका ब्लास्ट वाला मेन अटैक है भाई, जेड पे, कंट्रोल पे, क्यू पे, आर पे, आर पे का अटैक है, आर पे थिंक से यस, इसके मिनियन बुलाने वाला अटैक है, ये अपने पर्सनल प्राइवेट मिनियन बुलाता है गाइस। यहां पे आप जैसे कि देख ही सकते हो सिल्वर मिनियन गाइस जिसने बुला लिया है, ओ पे, जी पे कोई अटैक नहीं है। सो इसके पास थोड़े से लिमिटेड अटैक है, बट क्या इसका डैमेज एकदम तगड़ा वाला जा रहा है। दो बिलियन स्केल्ड है ना, मैं ज्यादा नहीं 5 बिलियन स्केल्ड करूंगा, ओनली 5 बिलियन भाई, ओनली 5 बिलियन हेल्थ रहेगी। चलो 10 बिलियन कर देता हूँ, ना आपकी ना मेरी, सीधा 10 बिलियन, ठीक है, सीधा 10 बिलियन मैंने इसकी हेल्थ कर दिया। बाकी 127 पॉइंट मैं इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ, ठीक है। कितना डैमेज जा रहा है वैसे अभी, माइनस क्या, अरे तो डैमेज ही नहीं जा रहा, रुको अबे मार भाई, कितना डैमेज है भाई, 200 मिलियन का डैमेज अभी फिलहाल के लिए जा रहा है इसका, ठीक है, 200 मिलियन का डैमेज जा रहा है। और ये म्यूजिक इतनी ज्यादा बज रही है ना, क्या बताओ मेरे को, मैं जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ, ठीक है, ए टू जेड पॉइंट गाइस हम लोग इसके मिली डैमेज में डाल रहे हैं। और देखते हैं हमारे डोडो रेंज का डैमेज यहाँ पे कितना ज्यादा है, ठीक है, ये डाल दे सारे पॉइंट इसके मिली डैमेज में, मैं गेम का उसना और थोड़ा कम कर लेता हूँ, हाँ बस इतना इन पे कुछ ज्यादा ही लाउड म्यूजिक बज रही है। अभी बात करते हैं इसके अटैक की और इसके डैमेज की। सो भाई 656 मिलियन ओनली बाइट अटैक, तो ठीक है वैसे काफी ज्यादा है, हमारे द वर्ल्ड बॉस के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट डैमेज जो है ना इसी का जा रहा है, बट बॉस होने के भाई हिसाब से तो इसको माइनस में डैमेज देना चाहिए था। फायर अटैक भाई 40 मिलियन का फायर अटैक है, सी पे 50 का डैमेज, अबे मजाक कर रहे क्या, वो मिनियन इसके मिनियन कितना डैमेज दे रहे हैं, रुको एक दो ही ठीक से दिख नहीं रहा यार, मैं ठीक से इसको देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ यार इसको, ये देखना गाइस मुझे बस खाली इसका जो ना गाइस सिर दिखाई दे रहा है इसको चलाते हुए, ठीक है, मैं ठीक से इसको बेचारे को देख भी नहीं पा रहा हूँ। एक से अटैक, अरे हटने तो, अभी मिनियन ने मेरे को जकेट के रख दिया भाई, क्या बोलू यार, ये डोडोरेक्स ना मैं सच बता रहा हूँ उतना मुझे खतरनाक नहीं लगा है, मुझे भाई उम्मीद थी कि इसका माइनस में डैमेज जाएगा, बट माइनस बिनस में डैमेज जो है वो हमारे इस डोडोरेक्स का बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, और इसने हमारे जो ना कहीं यहाँ पे सपनों पे पानी पानी फेर दिया है, ठीक है, मुझे जो ना कहीं बिल्कुल उतना खास कुछ लगा नहीं भाई, जिस हिसाब से गाइस मैंने यहाँ पे इससे उम्मीद रखी थी उतना खास कुछ भाई इसने डैमेज दिया नहीं है। चलो ये अपने मिनियन डिस्पॉन होने थे, उसके बाद मैं इसका एक्स वाला अटैक चेक करता हूँ जो कि मुझे इसका मेन अटैक लग रहा है, ठीक है, कितना डैमेज, अगर उसका भी माइनस में डैमेज नहीं गया तो फिर ये डोडोरेक्स नल्ला है, सिंपल सी बात है भाई, क्या भाई सच में 109 मिलियन का डैमेज जा रहा है ओनली, हाय अबे यार गाइस ये नल्ला डोडोरेक्स है भाई, ना भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, डैमेज तो इसका तगड़ा जा रहा है लेकिन माइनस में डैमेज आना चाहिए था कि नहीं बताओ, जो भी पब्लिक मुझे बोल रही थी भाई इस डोडोरेक्स को टेम करो काफी खतरनाक डोडोरेक्स लग रहा है, सबके बैंड बजा रहा है, सो इसका डैमेज काफी तगड़ा जाएगा, मैंने कर लिया भाई टेम आपके लिए, बट इसका डैमेज काफी नल्ला जा रहा है। अभी इसको देखने के बाद ना मुझे और कोई बॉसेस को टेम करने का मन ही नहीं कर रहा गाइस, एक काम करेंगे गाइस हम लोग ना भाई ये वाले भाई आरकेजी रिबॉन का आते हैं हम लोग यहीं पे करने वाले भाई, अभी गाइस किसी भी बॉस का सजेशन नहीं करना क्योंकि डोडोरेक्स का डैमेज अगर इतना कम जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा तगड़ा वाला वॉरशिप वाला बॉस था, ठीक है, सब सोच ही सकते हो कि दूसरे जो हमारे डायनोस होंगे दूसरे जो बॉसेस होंगे उनका डैमेज यहाँ पे कितना जाने वाला है आप सोच ही सकते हो खुद से, ठीक है। चलो आखिरी बार ना रॉकवेल को टाटा बाय बाय गुड बाय बोलते इसको मार के, रॉकवेल तेरे को मिस करूंगा, पता है तुम्हारे को बहुत ज्यादा प्यार करता है रॉकवेल भाई, बट क्या करें अभी तेरा अंत यहाँ पे मेरे हाथों लिखा हुआ है। चलो गाइस ये रॉकवेल की बैंड आखिरी बार बजाते हम लोग भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप तू भाई आप तू गाइस तो बात दो बस सारा सारा मूड खराब कर दिया, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भाई, इस डोडोरेक से मुझे माइनस में डैमेज की उम्मीद तो थी एटलीस्ट स्टार्टिंग में नहीं दिया, लेकिन अगर मैक्स लेवल का हो उसके बाद अगर माइनस डैमेज देता ना तो मजा आ जाता। प्लस एक और बात गाइस यहाँ पे हमारे
जो अल्टीमेट वाले सारे के सारे बॉसेस है, उनका जो स्पेशल अटैक है हर वाला, वो माइनस में डैमेज देता है। ये आपको भी और मेरे को भी पता है, मतलब ये हमारे अल्टीमेट वाले बॉसेस से भी नल्ला है गाइस, समझ रहे हो? इसलिए मेरे को भाई और भी ज्यादा दुख हो रहा है। चलो अबे यार ये कोड आ रहा भाई, हेलो ये ले बेटा, मर जा भाई मर जा। आखिरी वैसे एपिसोड है, इसके बाद गाइस यहाँ पे आर्क एजी रिबॉर्न जो है गाइस उसकी वीडियो नहीं आने वाली है। अभी जो ना गाइस आर्क डॉक्स हम लोग शुरू करने वाले, और एक अच्छी खबर ये है कि गाइस आर्क असेंडेड लगभग 5 या 10 दिन में आने वाला है, ठीक है? 5 या 10 दिन में आर्क असेंडेड जो है वो आने वाला है, और वो जो ना नेक्स्ट लेवल गेम होने वाला है यहाँ पे, तो भाई वो खेलेंगे डायरेक्टली हम लोग। तब तक जो ना कि हमारी डॉक्स वाली सीरीज गाइस यहाँ पे चलेगी। मैं अभी जा रहा हूँ दौड़े दौड़े। अबे यार मुझे इल्लेडी दे रहे यार इसके डेंटिकल। रॉकवेल ब्रो तेरे को बहुत ज़्यादा मिस करेगा मैं, ठीक है? तू ही इकलौता ऐसा डायनो था जिसने मेरे एंड तक साथ दिया, भले मेरा हर एपिसोड में इसने भाई दिमाग खराब कराया, मेरे को पकाया बहुत ज़्यादा, बट ये हमेशा हमारे साथ था भाई रॉकवेल, हाँ हमेशा साथ था गाइस, ठीक है? रुको ये ले भाई, बुम 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 बुम, खा ले मार खा ले रॉकवेल भाई, मार खा लो मस्त वे की। मैं ट्राई करता हूँ गाइस उस वाले बॉस को मारने की, पहले इस वाले बॉस की बैंड बजाता हूँ। क्या इसको एटलीस्ट मैं मार पाऊंगा? ये मेरे अच्छा मार दिया भाई, 2 फटकों में मारा तो है भाई इसने, हाँ मारा तो है वो 14 मिनट भाई टाइम दिखाने वाले बॉसेस को मारा तो है एटलीस्ट भाई। ये रॉकवेल के 5 ही टेंटिकल है क्या? क्योंकि आगे वाले टेंटिकल मुझे शो ही नहीं हो रहे, कब से देख रहा हूँ इसके आगे वाले टेंटिकल जो है ना गाइस वो गायब ही है। क्या हो गया रॉकवेल भाई? इतना ज्यादा दुख हो गया कि आगे वाले टेंटिकल, और ये एक ही बारी में नीचे झुक रहा है, अभी जमीन के अंदर जाएगा। रुको देखना गाइस, आप खुद देखना, इसके आगे वाले टेंटिकल ही नहीं है हमारे इस रॉकवेल बॉस के आगे वाले टेंटिकल, चाहे तो छुट्टी पे जा चुके हैं। वैसे द एंड है, आखिरी एपिसोड है, तो दबा के लाइक कर दो। पिछले वाला जो गाइस अपना आखिरी एपिसोड था उसमें आपने लाइक के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सो इसमें भी लाइक के रिकॉर्ड्स तोड़ देना गाइस एकदम। 500+ तो कम से कम लाइक गाइस होना चाहिए। वो आगे के टेंटिकल आ गए, मुझे लगा आगे के टेंटिकल गायब है गाइस, लेकिन है गाइस, इसके आगे के टेंटिकल है, ठीक है। शायद से मैं एक से एक अटैक दे रहा था ना, तो आगे के टेंटिकल इसके भाई वो हो रहे थे, गायब हो रहे थे। बट इस भाई डोडोरेक्स ने सच में मेरा मूड खराब कर दिया यार। अगर इसका डैमेज तगड़ा वाला जाता ना, तो सच में मैं यहाँ पे ना 1-2 और एपिसोड निकालता एजी रिबॉर्न के। बट इसका डैमेज इतना घटिया गया ना कि मेरा मूड खराब हो गया अभी फिलहाल के लिए। तो अभी देखना, ये देखो भाई 2 ही टेंटिकल आई इसके भाई, बाकी टेंटिकल कहाँ पे गए? छुट्टी पे गए क्या? ये 1 टेंटिकल भाई, ये क्या है? ये ग्लिची रॉकवेल है क्या? खाली 2 टेंटिकल है, देखो मैं 2 टेंटिकल उड़ाऊंगा, ये घुटनों पे झुक गया भाई। रॉकवेल चल क्या रहा है भाई? बेचारा दुखमय लग रहा है यार, मुझे तो भाई दुखमय लग रहा है रॉकवेल। कोई ना रॉकवेल, कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गया ये जमीन के अंदर। चलो रॉकवेल को मार के हमारे आर्क एजी रिबॉर्न का हम लोग द एंड कर रहे गाइस यहाँ पे। आपने इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। इस अकेली सीरीज ने हमारे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर गेन करा के दे दिए गाइस हमारे, सो आप समझ ही सकते हो कि आपने कितना प्यार गाइस इस सीरीज को दिखाया है। बाकी अभी इस सीरीज का द एंड करने का टाइम आ चुका है, और ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड। और अभी इस रॉकवेल को मारने के साथ ही हम लोग इस सीरीज का द एंड करने वाले। बाकी आप बताना आपको डोडोरेक्स कैसे लगा 1 से लेके 10 तक। अगर आपको इसको पॉइंट देने हो आखिरी बार, 1 से लेके 10 तक अगर आपको इसको पॉइंट देने हो, तो आप इसको कितने पॉइंट दोगे? 1 मतलब ये एकदम घटिया, 10 मतलब ये एकदम ओपी। सो आप खुद बताना कि 1 से लेके 10 तक आप लोग हमारे इस डोडोरेक्स को कितने पॉइंट दोगे, ठीक है? अभी तो रॉकवेल को जो ना गाइस मस्त बे की एक चुम्मी देता मैं। आई थिंक से आखिरी एक और बार मारना है, उसके बाद रॉकवेल का हो जाएगा द एंड। ये देखो अभी आधे इसके टेंटिकल बाहर निकल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। राउंड 1 में तो फुल टेंटिकल निकल रहे बाहर, बट राउंड 2 चालू होती है इसके आधे ही टेंटिकल बाहर निकल रहे हैं। मिरेकल भाई, अरे हटो रे यहाँ से। अबे यार, अरे भाई, हाँ ठीक है चलो गाइस, रॉकवेल का अभी मेरे साथ ही यहाँ पे द एंड होने वाला है, ठीक है? मेरे साथ में रॉकवेल को भी लेके जा रहा हूँ, रुक जा भाई, आ रहा वेले। बाय बाय रॉकवेल, मिलेंगे कभी और किसी ब्रांड न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय रॉकवेल सर, और बाय बाय गाइस आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए।
बाकी ये डोडोरिक्स उतना कुछ खास है नहीं, सो इसकी पावर और डैमेज मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक काम कर सकता हूँ मैं भाई, ठीक है, एक काम कर सकता हूँ, मैं इससे सारे वॉरशिप बॉसेस को भाई बिड़ा देता हूँ। चलो आपके लिए मैं फाइनल एपिसोड में सारे वॉरशिप बॉसेस को हमारे डोडोरिक से बिड़ाने का काम तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। ओके चलो मैं फटाफट से ना यहाँ पे स्पॉडर में वॉरशिप में सारे के सारे वॉरशिप बॉसेस को बुलाऊंगा भाई, सारे के सारे वॉरशिप बॉस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद क्या चाहिए, वार्डन एलिमेंट चाहिए। हाँ भी मैं भाई वार्डन एलिमेंट का इंतजार नहीं कर सकता भाई, एक ही बना ले, क्या चाहिए बता। वार्डन ट्रॉफी, वार्डन एलिमेंट, भाई दोनों चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ओ एक का डबल करनी पड़ेगी। चलो जितने बॉसेस बने गए उतने से गए पंगा लेते हैं भाई, डायरेक्ट आ जाऊँ भाई, जितने बॉसेस बड़े उतने से पंगा ले लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो, अपने डोडोरिक्स के ऊपर बैठते हैं और बेस का साइड में गाइस पंगा लेते हैं क्योंकि आखिरी एपिसोड है द एंड वाला, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस हम लोग बॉसेस को बुलाएंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है भाई, अपना ड्रैगन, हाय ड्रैगन, अबे जमीन पे तो आ, अबे फाइट कैसे करूंगा मैं थोड़े हवा में उड़ सकता, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, खल्लास भाई। एक फटके में तो नहीं मार रहा रेक्स की तरह, लेकिन मार रहा है भाई, दो तीन फटके में मार रहा है भाई, ठीक है, दो तीन फटकों में मार रहा है। अबे आजा भाई मांटी, अब मांटी कोर का बच्चा है। अबे मैं कैसे पंगा, अबे मांटी कोर, अबे मैं उड़ के आऊँ क्या अभी ऊपर, कैसा अलग ही भाई चूमू मांटी कोर है भाई, मैं इसको मार नहीं पाऊंगा गाइस, इसको मार नहीं पाऊंगा। चलो दूसरे बॉस को बुलाते हैं भाई, ठीक है, मांटी कोर तो बच गया। अबे इसको बाहर दे, पहले बाहर डाल दे, पट्टे से बाहर डाल, भाई हीट वेव अलग से आ गई भाई, ये बैक स्पेस दबाएंगे हम लोग, डरे क्या। चलो गाइस इसकी भी बैट बजा दी, मार तो रहा हूँ भाई, मार तो रहा हूँ। अभी एट में ना तीनों भाई वॉरशिप को एक साथ बुलाता हूँ, आ जाओ भाई, तीनों की बैट बजा दूंगा भाई, डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड। बस ये आसमान में उड़ने वाले कुछ बॉसेज जो है गाइस वो बचे हुए हैं, बाकी सबको मार दिया। और आसमान में उड़ते हुए बॉसेज को मारने के लिए हमारे पास जो है हमारा ब्रह्मास्त्र है, जो कि हमारा वर्ल्ड बॉस, वर्ल्ड बॉस ना इनको भाई चुटकियों में मार देगा गाइस, चुटकियों में मार देगा। और यही है गाइस हमारे आरकेजी रिबॉन का द एंड, ठीक है। लॉकडाउन, बच्चा बाटी जमीन पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, अभी दिख भी नहीं रही कहाँ पे है जमीन पे, अबे यही नहीं हो, कहाँ पे गए बॉस, बॉस जमीन पे तो आया लेकिन दिख नहीं रहे। ओ ये आ गया जमीन पे, बाय बाय ब्रो, सी यू लेटर। ओ इसको मैंने क्रायो कर दिया ना, उस रीजन से हमारे वर्ल्ड बॉस का डैमेज थोड़ा कम हो गया है, वरना वन फटके में वन शॉट में मार सकता था ये। यार मैंटिकोर कहाँ पे गिरा ये पता नहीं मुझे, इकलौता एक मैंटिकोर बचा हुआ है बट वो भी नहीं दिख रहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये है गाइस हमारे आर्क एजी रिबॉर्न का द एंड। इसके बाद एक और कोई भी एपिसोड यहाँ पे इस नए सीरीज का आने वाला, क्योंकि जो भी बॉसेस है उतनी कुछ खास है नहीं, इसलिए जो है ना गाइस इस सीरीज का द एंड यहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब द एंड जो है ना गाइस वो यहीं पे हो रहा है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट इस सीरीज को देने के लिए। बाकी तो मिलते हैं आपसे एक और ब्रांड न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we play. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk